लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के कई उम्मीदवारों ने संविधान में बदलाव की बात कही थी, लेकिन विपक्ष ने इसे ही अपना प्रमुख मुद्दा बनाया और जो बीजेपी अपने दम पर बहुमत ला सकती थी वह मात्र इसी मुद्दे के कारण बहुमत से दूर हो गई। ऐसे में बीजेपी को संविधान शब्द से भी बहुत ही सावधान हो जाना चाहिए था, मगर आज जब शशि थरूर ने शपथ लेने के बाद जय संविधान कहा तो ओम बिरला कहने लगे कि संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं। जिस पर दीपेंद्र हुड्डा ने सवाल किया तो उन्होंने हुड्डा को खरा खोटा सुना दिया। अब कोई बड़ी बात नहीं है कि ओम बिरला के आज के इस कृत्य को भी विपक्ष संविधान विरोधी बताकर प्रचार करे, क्योंकि मुद्दा गर्म यही है। लेकिन ओम बिरला को अलग ही अपने पद का घमंड चढ़ गया और दिखा भी। बीजेपी को समझना होगा, नहीं तो विपक्ष देश की जनता को समझा देगा। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के कई उम्मीदवारों ने संविधान में बदलाव की बात कही थी, लेकिन विपक्ष ने इसे ही अपना प्रमुख मुद्दा बनाया और जो बीजेपी अपने दम पर बहुमत ला सकती थी वह मात्र इसी मुद्दे के कारण बहुमत से दूर हो गई। ऐसे में बीजेपी को संविधान शब्द से भी बहुत ही सावधान हो जाना चाहिए था, मगर आज जब शशि थरूर ने शपथ लेने के बाद जय संविधान कहा तो ओम बिरला कहने लगे कि संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं। जिस पर दीपेंद्र हुड्डा ने सवाल किया तो उन्होंने हुड्डा को खरा खोटा सुना दिया। अब कोई बड़ी बात नहीं है कि ओम बिरला के आज के इस कृत्य को भी विपक्ष संविधान विरोधी बताकर प्रचार करे, क्योंकि मुद्दा गर्म यही है। लेकिन ओम बिरला को अलग ही अपने पद का घमंड चढ़ गया और दिखा भी। बीजेपी को समझना होगा, नहीं तो विपक्ष देश की जनता को समझा देगा। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के कई उम्मीदवारों ने संविधान में बदलाव की बात कही थी, लेकिन विपक्ष ने इसे ही अपना प्रमुख मुद्दा बनाया और जो बीजेपी अपने दम पर बहुमत ला सकती थी वह मात्र इसी मुद्दे के कारण बहुमत से दूर हो गई। ऐसे में बीजेपी को संविधान शब्द से भी बहुत ही सावधान हो जाना चाहिए था, मगर आज जब शशि थरूर ने शपथ लेने के बाद जय संविधान कहा तो ओम बिरला कहने लगे कि संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं। जिस पर दीपेंद्र हुड्डा ने सवाल किया तो उन्होंने हुड्डा को खरा खोटा सुना दिया। अब कोई बड़ी बात नहीं है कि ओम बिरला के आज के इस कृत्य को भी विपक्ष संविधान विरोधी बताकर प्रचार करे, क्योंकि मुद्दा गर्म यही है। लेकिन ओम बिरला को अलग ही अपने पद का घमंड चढ़ गया और दिखा भी। बीजेपी को समझना होगा, नहीं तो विपक्ष देश की जनता को समझा देगा। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के कई उम्मीदवारों ने संविधान में बदलाव की बात कही थी, लेकिन विपक्ष ने इसे ही अपना प्रमुख मुद्दा बनाया और जो बीजेपी अपने दम पर बहुमत ला सकती थी वह मात्र इसी मुद्दे के कारण बहुमत से दूर हो गई। ऐसे में बीजेपी को संविधान शब्द से भी बहुत ही सावधान हो जाना चाहिए था, मगर आज जब शशि थरूर ने शपथ लेने के बाद जय संविधान कहा तो ओम बिरला कहने लगे कि संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं। जिस पर दीपेंद्र हुड्डा ने सवाल किया तो उन्होंने हुड्डा को खरा खोटा सुना दिया। अब कोई बड़ी बात नहीं है कि ओम बिरला के आज के इस कृत्य को भी विपक्ष संविधान विरोधी बताकर प्रचार करे, क्योंकि मुद्दा गर्म यही है। लेकिन ओम बिरला को अलग ही अपने पद का घमंड चढ़ गया और दिखा भी। बीजेपी को समझना होगा, नहीं तो विपक्ष देश की जनता को समझा देगा।